देखिए, देश को आप इस समय रणाणा गांव प्रगति के पथ पर है। ये है गांव का मेन रोड है, ये देख लो, बस आ गई है भाई। ये इस समय देख लो, ये देख लो भाई, भाई गाड़ी तो वो खराब भी हो रही है। कितने ढूंढे खड़े हैं, बात करा तो पानी और रोड बंद हो गया। 7-8 फुट डूंगे खड़े हैं और कम से कम 2 किले की लाइन है। अरे दस्कन राम राम पर मौजूदा रणाणा गांव में आप देख सको हो, रोडवेज की बसान लाग रही है। यू है रणाणा गांव प्रगति के पथ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये देख लो भाई कितने गड्ढे हैं रोड में। आप साफ देख सकते हैं रणाणा गांव प्रगति के पथ पर, यह हरियाणा रोडवेज की बस है। और मनु और दिखा दो कितनी गड्ढे हम जाइए, देखिए देख को आप इस समय रणाणा गांव प्रगति के पथ पर है। ये है गांव का मेन रोड है, ये देख लो, बस आ गई है भाई। ये इस समय देख लो, ये देख लो भाई, ये रणाणा गोहाणा बस है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लो भाई इस तरह से बड़े बड़े गड्ढों के अंदर से बसें गुजरती है। ड्राइवर साहब कितने के खड्डे हैं रोड में, खड्डे घने हैं भाई, गाड़ी कई वो खराब भी हो रही है। कितने ढूंढे खड्डे हैं, बात करा तो बस का पायदाना भीतर पानी आ जाए, बस के भीतर पायदाना में पानी आ जाए। मतलब ये गड्ढे 3 से 4 फुट के गड्ढे कहने, मतलब ये है क्या परेशानी, कब तार है नाना गांव में? क्या भाई 5-6 साल तक हमने देखा, 5-6 साल से। क्या नाम आपका? मेरा संदीप कुमार, हरियो काम रणाणा है ने? रणाणा गांव, आप गोहाना से जुलाना चलते हैं? ये देख लो भाई संदीप ड्राइवर था, हर गड्ढे भी हमने देखा, ये गड्ढे है। और यह रोडवेज की बस है, हरियाणा रोडवेज सोनीपत की बस जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आम साधन यहाँ से निकल नहीं सकता है जो आप देख सकते हैं दृश्य में। और ये है भाई रणाणा गांव प्रगति के पथ पर जो आप देख पा रहे हैं दृश्य में, देख सकते हैं रणाणा गांव प्रगति के पथ पर इसमें। और मैं बता दूं यहाँ से वर्तमान विधायक इंदुराज भालू है जिसका ये अपना गांव है जो आप देख पा रहे हैं। इंदुराज भालू है, गांव के हालात ये है, जिस गांव का विधायक होते हुए भी जो रोड है उसके अंदर 4-4 फुट के गड्ढे हैं जो आप देख पा रहे हैं इसमें, देख सकते हैं भाई। और एक शख्स खड़ा है, उस भाई ने पूछा कब तक ये हालात हैं, जो ये रोड है यहाँ से भाई हम पीछे की साइड जाएंगे तो जुलाना की तरफ जाएगा, आगे जाएंगे गुहाना की साइड जाएगा। अरे भाई खड़े है, ये देख लो ये रोड में गड्ढे हैं भाई, लगभग 3-3 फुट होंगे गड्ढे हो से। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब जो ये परेशानी आ रही है रंडाना गांव में गड्ढे, कब से ये? इसमें कई साल हो गए इस बात में, कई साल मतलब ये हो गया कि अब ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, अब तो यहाँ से साधन जैसे ये बस है, बस तो निकल जाती है जी जी। और जैसे छोटी साधन है कोई गाड़ी वगैरह वो तो निकल भी नहीं सकती यहाँ पर, तो सरकार बना दी निकाल के है इस पर सटे हो रहा है। ये रोड उस साइड से आएगा थोड़ा, किस साइड से? ये जो उसमें पॉइंट आ जाता है ना वहाँ पे, हाँ ये टी पॉइंट आ गया, टी पॉइंट आ गया, वहाँ से निकल का आवे सीधा, वहाँ से पीछे गए, पीछे गए नहीं, ये आवे तो ये बीच में गएगा यहीं से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो दिक्कत वहाँ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो उसी चीज की दिक्कत है बस, उसके बाद जब से मतलब ये स्टे वगैरह का होने के बाद कार्रवाई हुई नहीं आ गए भाई। देख को साफ बताया जा रहा है कि बस सटे होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। और ये देख लो ये रोड लकड़ रही है पर यो गड्ढा है, और ये सामने घर आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर पानी है यहाँ पे, और ये तो कुछ भी नहीं। आप अगर वहाँ जाके देखोगे तो वहाँ तो रोज एक्सीडेंट मतलब बाइक वाले रोज गिरते हैं, वो देखो कहाँ से जा रहे हैं वहाँ उस साइड अगर आप घुमाओ भाई। देख को भाई देखो जो गाँव वाले जो जान लग रहे हैं, मैं आपने दिखा दू जूम करके, ये देखिए ग्रामीण कैसे गुजरते हैं, बिल्कुल साइड बुरा हालात है यहाँ पर रणाणा गांव के हालात जो आप देख पा रहे हैं। वैसे रणाणा गांव को रण में डाने वालों के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पहलवाना गांव है ये। और इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप डीएन हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश दुलानिया रणाणा गाँव से। तो बात करें हम रोड के विकास की, आपका गाँव का जो रोड है वो रोड वर्तमान हालात ऐसे हैं कि उनका गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे नहीं मौत के गड्ढे, लगभग 3 फुट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, क्या इस हालात में विरोधा विधानसभा में आप दोबारा परचम लहरा पाएंगे? देखिए आपकी आपका सवाल वाजिब है, सही है। मेरा पैतरी गांव है रिनाणा, और ये जोलाना गुवाना मेन रास्ता मेन सड़क है, और मैं पूरा अगर आने जाने की बात कहूँ तो ये रोड थम्ब्या हुआ रोड है, रुक गया रोड, आने जाने वाले किसी ने आना जाना पड़ता तो 20-30 किलोमीटर गए, लाखड़ माजरा वाया या फिर जींद वाया, इस तरह हो जाते हैं लोग। और मैंने ये विधानसभा में अभी सत्र था 10 दिन पहले, उस दिन भी मैंने मुख्यमंत्री जी बैठे थे सत्र में,
मैंने बिल्कुल उनको बताया था हकीकत कि मेरा पैतरी गांव है और रोड बंद हो गया, 7-8 फुट डूंगे खड़े हैं और कम से कम 2 किले की लाइन है जी जी। इस समय कोर्ट का सटे है जी जी। मैं लेकिन मैंने मेरे पूरे गांव ने जो पंचायत है 7 से 6 करमा रास्ता है, 1 और 4 करमा रास्ता है, गांव के सरपंच ने गांव की पंचायत ने रेजोल्यूशन दे दिया भाई इतने कोर्ट में फैसला नहीं होता तो इतना आप टेम्परेरी आड़े साइड का बना दो रोड ताकि आने जाने का सुविधा हो सके जी जी। और मैंने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था लेकिन दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री है इतनी गंभीर बात को भी लेके उन्होंने विधानसभा में कोई जवाब देने का काम नहीं किया, बैठे बैठे सुनने का काम जरूर किया।